कादरी सिलसिले के महान सूफी शाह अब्दुल मजीद कादरी कदीरी रहमतुल्लाह अलैह का 26वां उर्स मुबारक इस बार भी सादगी और अकीदत एहतराम के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर हबीब अख्तर कादरी मरहूम के छोटे भाई शकील अख्तर कादरी की दस्तारबंदी की गई। कंपनी बाग हजरत शाह इसहाक मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के निकट आयोजित उर्स की बाविकार तकरीब का आगाज बदरुल इस्लाम कदीरी ने तिलावत कुरान से किया। उर्स में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर पोशी करके अपनी अकीदत का इजहार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अयूब खान नईमी, हजरत मौलाना रईस अशरफ, मुफ्ती मोहम्मद मुस्तजाब हुसैन कदीरी, मुफ्ती मोहम्मद दानिश कादरी ने सलामती और खुशहाली के लिए दुआ कराई और शाह अब्दुल मजीद कादरी कदीरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और जीवन पर रोशनी डाली। मशहूर शायर मंसूर उस्मानी ने अपने कलाम द्वारा अपने विशेष अंदाज में अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर दरगाह इसहाक मियाँ के सज्जादा नशीन हाजी मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद कमाल, दरगाह हजरत हाफिज साहब के सज्जादा नशीन हयातुल नबी खां, दरगाह पहलवान साहब के सज्जादा नशीन हाफिज इफ्तिखार, दरगाह शाह साहब के सज्जादा नशीन अली नईम चिश्ती, दरगाह शाह बुलाकी साहब के सज्जादा नशीन इश्तियाक हुसैन बब्बू भाई, दरगाह शाह इब्राहिम साहब के सज्जादा नशीन सैयद यूसुफ अली के साथ और भी लोग मौजूद रहे। क्यों न हो मकबूल तेरी हर दुआ, क्यों न हो मकबूल तेरी हर दुआ, जब दुआओं में वसीला आज कादरी साहब का 26वां उर्स मुबारक है और इसको मेरे बड़े भाई हबीब अख्तर कादरी हमेशा मनाते चले आए और सारे तमाम कर सकते हैं। जिम्मेदारी अलग ने मुझे दी है और बस ये आज 26वां।